वैसे छात्र छात्राएं जो इंटर कंपार्टमेंटल का एग्जामिनेशन फॉर्म भरे हैं और एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, तो वो इस वीडियो को पूरा तरीके से देखें, हर सवाल का जवाब लाइव शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। पहला सवाल कि कंपार्टमेंटल का सर एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम जो है 15 से 20 अप्रैल के अंदर एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एडमिट कार्ड 10 से 12 तारीख के अंदर आप लोगों का कंपार्टमेंटल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बहुत सारे दोस्तों लोग का सवाल है कि सर सेंटर सेम कॉलेज में रहता है या अलग जाता है, तो बता दें दोस्तों कि सेंटर आपका अलग रहेगा, कोई और कॉलेज जो भी एडमिट कार्ड में रहेगा उस कॉलेज में जाकर एग्जाम देंगे। अब बहुत सारे दोस्तों लोग का विषय जो लिए हैं, कुछ विषय में प्रैक्टिकल रहता है, कुछ विषय में प्रैक्टिकल नहीं रहता है, तो हम आपको बता दें जिस विषय में प्रैक्टिकल रहता है उसको कंपार्टमेंटल सिर्फ एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल पिछले वाला ही रहेगा, ठीक है, प्रैक्टिकल में चेंजिंग नहीं होगा। तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना है, सिर्फ जो है सिर्फ आपको परीक्षा देना है। तो ये सब प्रोसेस जो है आप लोगों को हम बता दिए हैं कि 20 से यानी कि 15 से 20 अप्रैल के अंदर आप लोगों का कंपार्टमेंटल एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा और आप लोगों का सेंटर, नए सेंटर जो एडमिट कार्ड पर लिखा रहेगा वहाँ जो लिखा रहेगा उस पर जाके एग्जाम देंगे, ठीक है। तो यही रहा प्रोसेस जो कि हमने शेयर कर दिया। अगर किसी भी प्रकार के मन में सवाल हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। और बता दें आप लोगों का जो भी था अब रिजल्ट के बारे में, तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम दे दीजिए, इसी चैनल पे आपको रिजल्ट के बारे में भी अपडेट शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।